यूं तो आपने बहुत से विधायक और एमएलए देखे हैं जो समाज में उतरकर काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, लेकिन उनमें से ही एक एमएलए विधायक ऐसे हैं जो चारकोप मुंबई में समाज में जनता के बीच में उतर के उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। तो मिलते हैं चारकोप मुंबई से बीजेपी के एमएलए विधायक श्री योगेश सागर जी से। तो सर, अपने जीवन शैली के बारे में कुछ बताइए। तो लोग बताएंगे, हम क्या बताएंगे। ये मोदी लहर जो चल रही है, ये आंकड़ा किस पार तक जा रहा है? देखिए, देश भर का आंकड़ा बताने के लिए तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं उत्तर मुंबई में बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, शायद देश में पहले 2-3-4 सीटों में से ये सीट होगी। हमारा प्रयत्न है कि देश के पहले क्रमांक की विजय हम हासिल करें मतों के फर्क में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहले 5 सीटों में मुंबई की, उत्तर मुंबई की सीट आएगी। और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने सभी क्षेत्रों में, वैज्ञानिक से लेकर के औद्योगिक तक, सभी क्षेत्रों में काम शुरू किया है। और ये डेवलपिंग कंट्री है, ये विकसनशील देश है, तो विकास की प्रक्रिया तो सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ये कोई इतने साल में काम हुआ है और इतने साल में क्या होगा, ये कहना नहीं है। विकास की शुरुआत हो गई है और लोग महसूस कर रहे हैं। सर, आम जनता को अगर कोई परेशानी होती है तो किस तरह से आप तक पहुंचते हैं, आपको अप्रोच करते हैं? सीधे आते हैं, मैं सप्ताह के 7 दिन अपने कार्यालय में मिलता हूं। सप्ताह के 7 दिन मेरे पास सीधे लोग अप्रोच कर सकते हैं। मेरे लिए जनता और जनता के लिए मैं, इसमें बीच में कोई व्यक्ति नहीं हूं। सर, आगे सरकार अगर आती है तो ऐसे कौन से कार्य आपके एरिया में जो रह गए हैं वो आगे आप करना चाहेंगे? सरकार आती है तो मुंबई का विकास महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से चारकोप में बहुत ही अच्छा ये मेट्रो रेल हमारे दोनों तरफ लिंक रोड पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बन रही है। चारकोप को ही लग करके कांदिवली तक हमारा कोस्टल रोड आ रहा है, उसका भी डेवलपमेंट का काम शुरू है। जो कुछ भी करना है, हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के नाते रेलवे की समस्याओं के बारे में बहुत गंभीरता से काम करते हैं। मुंबई में बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में पार्किंग की समस्या है, मुंबई के पानी की समस्या है, जो उत्तर मुंबई को खास करके परेशान करती है कि मुंबई में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसंख्या के आधार पर पानी नहीं दिया जाता है। इसके लिए मैं पिछले 12-15 वर्षों से लड़ता हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की विधानसभा में और मुंबई के लोगों। सर, अभी क्या है, पार्टियों के बीच में जातिवाद के मुद्दे भी बहुत उठ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लोगों का ध्यान केवल विकास की तरफ है, जातिवाद के मुद्दे पर ये लोग विकास की तरफ देखते हैं, लोग काम की तरफ देखते हैं, लोग परिश्रम की तरफ देखते हैं, लोग नेतृत्व की तरफ देखते हैं, और इसलिए कोई जातिवाद का असर यहाँ दिखेगा ऐसा मेरा मानना नहीं। सर, जैसे देखा जा रहा है कि मुंबई एक फाइनेंशियल सिटी है, तो अभी भी देखे जाते हैं कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 2022 तक सारे देश में सभी को अपने हक का घर मिलेगा, और मुंबई एक ऐसी राजधानी है जहाँ पर अपने उदर निर्वाह के लिए लोग आ जाते हैं, उसको रहने की जगह मिले ना मिले लेकिन 2 टाइम का खाना जरूर मिलता है, और वो आशा लेकर के आता है कि मुंबई में आने के बाद मेरा अपना घर भी कम से कम अपने वतन में मैं बना सकूंगा, इसी आशा से लोग मुंबई में आते हैं। ये मुंबई का और मुंबा देवी माता का बहुत बड़ा प्रताप है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई में आने वाला हर व्यक्ति कम से कम 2-5 साल 10 साल की मेहनत के बाद अपना घर बना पाता है, और प्रधानमंत्री जी ने देश के शासन के माध्यम से ये जाहिर किया है कि 2022 तक हम घर देंगे, तो इसी आशा में लोग रोजगारी के लिए मुंबई में आते हैं। फुटपाथ पर रहते हैं, ये उनकी मजबूरी है, ये सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। या 2011 तक के लोगों को घर देने का महाराष्ट्र की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाहिर किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो भी समस्या सॉल्व होगी। सर, देश के युवा और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं इस देश के युवाओं को और महिलाओं को संदेश दूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि युवाओं ने अपने देश को फोकस करके, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को, अपने सबको फोकस करके जो काम करते हैं, ये देश के युवा ये आने वाले दिनों की बहुत बड़ी शक्ति है, और इसका पूरा लाभ 2035 तक भारत को मिलना चाहिए। इसलिए युवाओं ने अपने पूरे कार्यक्षमता का उपयोग करना चाहिए। कार्यक्षमता का उपयोग करते समय परिवार और समाज और राष्ट्र, ये तीनों को ध्यान में रखें, जिस आवश्यकता के अनुसार राष्ट्र के हित में क्या है और समाज और परिवार उसके लिए जो भी सहयोग कर सकता है उसको सहयोग देना चाहिए।